हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कहा गया है LIC की एजेंसी किसी किसी के लिए सोने की खान है, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है, कोई ऐसा भी एजेंट है जो LIC की एजेंसी को भिखमंगों का कटोरा मानता है। वो कहता है ये तो भीख मांगने का कटोरा है। और कोई कोई ऐसा भी एजेंट है जो इस LIC के प्रोफेशन से करोड़पति बन गया है। कोई कोई ऐसा एजेंट है जो इसी LIC की एजेंसी से बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा है। सही सुना आपने मित्रों। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिए और जानिए कि LIC की एजेंसी कैसे सोने की खान है, LIC की एजेंसी कैसे अलादीन का चिराग है, LIC की एजेंसी कैसे रुपयों का समुंदर है। कैसे सोच के देखिए, अगर आप एक बार बीमा करते हैं तो आपको कंटिन्यू 20 साल 25 साल कमीशन आता है। आप एक पॉलिसी बेचते हैं और उस पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए कस्टमर आपके लिए मेहनत करता है। सोच के देखिए, आप एक पॉलिसी बेचते हैं और जितना पहले साल प्रीमियम नहीं देते हैं उससे ज्यादा आपको पूरे पॉलिसी वर्ष में कमीशन मिलता है, पूरे पॉलिसी के टर्म में कमीशन मिलता है। 100% आपका प्रीमियम जाता है, 110%, 120%, 150% तक आपको कमीशन मिलता है। सोच के देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, थोड़ा सा तो प्रयास लगेगा, थोड़ा सा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। बगैर प्रयास किए आप भोजन भी नहीं निकल सकते हैं, बगैर प्रयास किए आप घर में रखे हुए चावल दाल भी नहीं पका सकते हैं, बगैर प्रयास किए आप एक आइसक्रीम भी नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए भी भोंपू बजाना पड़ता है। अगर आप LIC की एजेंसी में आए हैं, अगर आप LIC के प्रोफेशन में हैं, अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, तो नो डाउट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ना सुनना पड़ेगा, आपको लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों से जाके बात करनी पड़ेगी, नए पॉलिसी की चर्चा करनी पड़ेगी, नए पॉलिसी का प्लान ब्रोशर ले जाके उसे देना पड़ेगा, उसको SMS भेजना पड़ेगा, उसे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, फेसबुक पे स्टेटस लगाना पड़ेगा, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाना पड़ेगा, कुछ तो मार्केटिंग का टूल्स अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप भी महसूस कर सके कि LIC की एजेंसी सोने की खान है, LIC की एजेंसी अलादीन का चिराग है। कोई कोई ऐसा एजेंट होता है जो एजेंसी लेने के बाद से कभी भी फील्ड में जाता नहीं है, उसे शर्म लगती है, उसे पॉलिसी बेचने में लाज लगती है, उसे लोगों से बीमा कराने के लिए कहने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हिचकिचाहट हुई, अगर आपको जरा सा भी ईगो हर्ट किया, अगर आपको जरा सा भी लगा कि मैं किस प्रोफेशन में आ गया हूं, यहां तो लोगों का रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सर पॉलिसी करा लीजिए, सर पॉलिसी करा लीजिए। रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर कला डेवलप करते हैं, अपने अंदर हुनर डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, तो नो डाउट थोड़ा सा एफर्ट में, थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ी सी मेहनत करके आपको अप्रोच करने का तरीका आ जाएगा, आपको प्लान प्रेजेंटेशन का जो सही वे है वो आ जाएगा, और राइट वे से, राइट कॉन्सेप्ट से अगर आप पॉलिसी को प्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी को पिच करते हैं, तो नो डाउट मेरा विश्वास है आप थोड़े से मेहनत से, थोड़े से प्रयास से, थोड़े से एफर्ट डाल के अच्छी अच्छी पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। तब देखिएगा, तब आप ही का दिल बोलेगा कि ये LIC की एजेंसी सोने की खान है, ये LIC की एजेंसी सोने का कटोरा है, ये LIC की एजेंसी अलादीन का चिराग है, या ये LIC की एजेंसी समुंदर है, समुंदर जहां से पैसे आते हैं। अब आपके प्रयास पे निर्भर करता है, आपके एफर्ट पे निर्भर करता है, आपके लगन पे निर्भर करता है, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, या आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप इसे कैसे पाना चाहते हैं। समंदर के किनारे कोई चम्मच लेके जाता है, उसे चम्मच भर पानी मिलता है। समंदर के किनारे कोई अगर मग लेके जाता है तो उसे मग भर पानी मिलता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बाल्टी लेके पहुंच गया और उसने एक बाल्टी पानी निकाल लिया। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो टैंकर लेके पहुंच गया, उसने एक टैंकर पानी भर लिया और अपने घर लेते आया। लेकिन वही जो बड़े बड़े एजेंट हैं, जैसे पंजाब सिंह सर, जैसे दीपक धावलिया, जैसे वेंकटेश्वर राव, जैसे भरत पारिक साहब, वो लोग पाइपलाइन बिछा दिए हैं, कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, कंटिन्यूअस पानी आ रहा है, और उनके खाते में हर रोज पैसा कुछ न कुछ आ रहा है, कुछ न कुछ नहीं बहुत ज्यादा लाखों रुपए रोज आ रहे हैं। उनके लिए LIC की एजेंसी सोने की खान है, उनके लिए LIC की एजेंसी बारिश का बादल है, पैसे का बादल है,
उनके लिए रोज बारिश हो रही है, पैसे की बरसात हो रही है, पैसे की बरसात हो रही है। अगर अगर आपको भी भरत पारिक जैसा बनना है, अगर आपको दीपक धावलिया जैसा बनना है, अगर आपको मिस्टर पंजाब सिंह जैसा बनना है, अगर आपको वेंकटेश्वर राव जैसा बनना है, तो नो डाउट उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं कि जितना हमने पॉलिसी नहीं बेचा उसका 10 गुना मैंने ना सुना, उसका 10 गुना मैंने ना सुना। क्या आज के डेट में भरत पारिक साहब को कोई ना नहीं बोलता होगा? जरूर बोलता है, आज के डेट में भी बोलता है, लेकिन उनको आदत पड़ गई है, क्योंकि वो समझ चुके हैं LIC का बिजनेस ना का प्रोफेशन है। यहां अगर कोई ना कहता है इसका मतलब हम अपने सही रास्ते पे हैं, क्योंकि 100% लोग आपको हाँ नहीं बोल सकते हैं। कुछ तो ऐसे मिलेंगे ही, कुछ तो ऐसे लोग आपको टच में आएंगे ही, कुछ तो ऐसे लोगों से सामना होगा ही जो ना कहेंगे, जो कहेंगे मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे पॉलिसी पसंद नहीं है, या मुझे जरूरत नहीं है, या मैं नहीं ले सकता, या मेरी मजबूरी है मैं नहीं करा सकता। वो बोलेंगे ही बोलेंगे, श्योर बोलेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और समझिए कि अगर आपको 100% लोग हाँ नहीं बोल सकते हैं, तो 100% लोग ना भी नहीं बोल सकते हैं। सारे के सारे लोग, जितने लोगों से आप मिलते हैं, सारे के सारे लोग ना नहीं बोल सकते। कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो हाँ कहेंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हाँ मैं कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ढूंढ रहा था, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ मुझे बच्चों के लिए पॉलिसी चाहिए, कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ अभी अभी मेरी शादी हुई है, मुझे एक प्रोटेक्शन का प्लान लेना है, कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे टैक्स बचाना है, कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे कुछ ऐसा प्लान चाहिए जिसमें कि मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो मेरे नामनी को, मेरे परिवार को भीख न मांगना पड़े, सड़क पे ना उतरना पड़े। कुछ तो लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे मनी बैक प्लान चाहिए, मुझे रिटायरमेंट का प्लान चाहिए, मुझे कुछ तो प्लान चाहिए। बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुंह तो खोलना पड़ेगा। जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह में, आपके पॉकेट में पैसे आते हैं, पैसे। लेकिन अगर आप मुंह खोलने से हिचकिचा गए, अगर आपको लाज आ गई, अगर आपका ईगो हट कर गया, अगर आपको लगा कि मैं किस बिजनेस में आ गया हूं, अगर आपको लगा कि मैं कैसे बात करूं लोगों से पॉलिसी के लिए, अगर आपको ये फील आ गया कि ये LIC की एजेंसी भीख मांगों का कटोरा है, ये भीख मांगने का कटोरा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसको इसको चेंज करिए, अपने ईगो को मार के उसको लेवल को डाउन कर दीजिए। बिजनेस में ईगो नहीं आना चाहिए। अगर एक दुकानदार कहेगा कि मैं 5 रुपये का सामान नहीं बेचूंगा तो उसका दुकान नहीं चलेगा। अगर एक नौकरी करने वाला कहेगा कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा तो उसका नौकरी छूट सकता है। अगर एक ठेला चलाने वाला कहेगा कि मैं इतने रुपए में ठेला नहीं चलाऊंगा, इतने रुपए में सवारी नहीं बैठाऊंगा, इतने रुपए में मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, तो याद रखिए वो बाथरूम साफ करने वाला सफाई कर्मी भी अपने समय पे जाके बगैर ईगो को टच किए, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी संकोच के रोज की रोज बाथरूम साफ करता है, रोज की रोज सफाई करता है और पैसे कमाता है। पैसे कमाने के लिए लोग जब ऐसा काम कर सकते हैं, पैसे कमाने के लिए लोग इससे भी क्या क्या करते हैं, बाथरूम की टंकियां साफ करते हैं, सीवर साफ करते हैं, सुरंगों में घुसते हैं, बहुत काम करते हैं, ऐसे भी काम करते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए जब उनका मन उस चीज में लग सकता है तो अपने को तो टाई कोट लगा के चलना है, अपने को तो लोगों के साथ बैठ के चाय पीना है, अपने को तो लोगों के साथ लोगों के भविष्य को बनाने की बात करनी है, अपने को तो लोगों के न रहने पर उनके परिवार को भीख न मांगने देने वाली बात करनी है, क्योंकि अपने को तो अच्छा काम करना है। जब अच्छा काम करना है तो किस बात का संकोच, किस बात का डर, किस बात की घृणा, किस बात का ईगो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मुहे मांगत आवे न लाज, मुहे मांगत आवे न लाज। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो महर्षि थे, बड़े बड़े जो आज के बिजनेसमैन हैं, उनको जरा सा भी संकोच नहीं होता है, वो लोगों से मांगते हैं, किसी से शेयर मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, किसी से श्रम मांगते हैं, किसी से डोनेशन मांगते हैं, मांगते हैं। और मांग मांग के कितने लोगों ने अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी संस्था के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सोच के देखिए, अगर आपकी सोच जबरदस्त है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव वाली है, अगर आप अपने संस्था के बारे में, अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो नो डाउट आपके लिए यह सोने का कटोरा, यह
अलादीन का चिराग, यह पैसे की बारिश करने वाला बादल और यह समुंदर का खजाना हो सकता है, पैसे का खजाना हो सकता है, यह कुबेर का खजाना हो सकता है। तो निश्चित तौर से अब आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आपके मेंटेलिटी पर निर्भर करता है और आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आपके लिए LIC की एजेंसी क्या है या इंश्योरेंस की एजेंसी क्या है। सोच बदलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 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 अगर आप सोच नहीं बदलेंगे तो जमाना आपको बदल देगा। अगर आप जमाने के बीच में अपने आप को खड़ा करके नाचने के लिए नहीं तैयार हैं तो आप ताली बजाने वालों में एक किनारे हो जाइए। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप शर्म छोड़ के काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप भूखों मरने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ईगो हर्ट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं कहा जाएगा, तो आए ही क्यों? और आए तो संकोच किस बात का? अगर जो धमाके से डरते हैं, जो धमाके से डरते हैं वो ओखल में सिर नहीं दिया करते हैं, और जो ओखल में सिर दे देते हैं वो धमाके से नहीं डरते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो धमाके से नहीं डरते हैं। जिनको जो काम पसंद होता है वही करते हैं। अगर आपको एक काम पसंद है तो ना सुनने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए बार बार अप्रोच करने के लिए तैयार रहिए। लोगों के बच्चे पढ़े, लोगों की बेटियों की शादी हो, लोगों के लिए अच्छी अच्छी सुनहरे भविष्य हो, इसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे का भला होता है तो ऐसा कोई धर्म नहीं है। और इंश्योरेंस में तो ऐसा है कि दूसरे को भला ही करना है। दूसरे को माला पहनाइए, दूसरे की तारीफ करिए, दूसरे की प्रशंसा करिए, दूसरे के जीवन की लाइफ स्टाइल बदलिए, दूसरे के लिए पैसे जुटवाइए, आप धनवान हो जाएंगे और आपके घर पैसे की बारिश होने लगेगी, आपके घर वो पाइपलाइन बिछ जाएगी, आपके घर वो समंदर का पानी चल के आएगा, पैसे का कटोरा चल के आएगा। अलादीन का चिराग आपसे पूछेगा कि बोल मेरे आका, क्या हुक्म है? मजा आ जाएगा। मन से करिए, पूरी शिद्दत से करिए। LIC की एजेंसी जबरदस्त है, यहां गारंटी भी है भारत सरकार की, यहां सोवरन गारंटी है, यहां आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सरकार की गारंटी के साथ साथ पूरी रोजगार की गारंटी है, और साथ ही साथ इसमें पूरी की पूरी आपको DA, DA अलाउंस, एडवांस, मकान बनाने के लिए, शादी के लिए, विदेश यात्रा, सारा कुछ फीलिंग आपको नौकरी वाली भी आएगी। यानी नौकरी का लाभ है, बिजनेस का, बिजनेस के जैसा काम है, और साथ ही साथ पूरी फ्री टाइम में, पूरे बगैर किसी बंधन के, बगैर किसी बंधन के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी बास के, आप खुद जितना काम करेंगे उतना पाएंगे। मन से लग जाइए, पूरी शिद्दत से लग जाइए और तूफान मचा दीजिए, तूफान मचा दीजिए। इतना जबरदस्त काम करिए कि आपका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए, ब्रांच के टॉप में लिखा जाए, डिवीजन के टॉप में लिखा जाए, जोन के टॉपर में लिखा जाए, और पूरे सेंट्रल ऑफिस में आपका सुनहरे अक्षर में फर्स्ट या रैंकर, रैंकर होल्डर के नाम में लिखा जाए, और आपको गर्व हो कि मैं LIC एजेंट हूं, आपको अनुभूति हो कि मैं LIC एजेंट हूं, आपको एक अपना खुद रेस्पेक्ट फीलिंग हो कि मैं LIC एजेंट हूं। नो डाउट LIC की एजेंसी पैसे का समंदर है, LIC की एजेंसी अलादीन का चिराग है, LIC की एजेंसी गोल्ड माइन है, सोने की खान है, LIC की एजेंसी कुबेर का खजाना है, LIC की एजेंसी स्वर्णिम भविष्य है। आप किस नजरिए से देखते हैं और कितना मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं उतना आपको मिलेगा। वो कहावत तो सुना होगा आपने, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना मेहनत करेंगे उतना पाएंगे, जितना शिद्दत से विश्वास से लगे रहेंगे उतनी कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। विश्वास मानिए, LIC की एजेंसी सोने की खान है, विश्वास मानिए और लग जाइए। पूरे 100% अपने आप को दीजिए, पूरे 100% अपना फोकस करिए, और निश्चित तौर से आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक न एक दिन आप सफलता के इतिहास को लिखेंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि और साथियों को ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।